नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,488 मामले सामने आए, वहीं 113 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। देश में कुल संक्रमित होने वालों की संख्या 1,10,69,979 है। वहीं राहत की बात यह है कि 1,07,63,451 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। अब तक 1,56,938 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है, वहीं 1,59,590 लोगों का इलाज जारी है। दूसरी ओर देश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी चालू है। अब तक देश भर में 1,42,42,547 लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जा चुका है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट एक बार फिर से कम होता नजर आ रहा है। रिकवरी रेट घटकर 97.21% पहुँच गया। वहीं दूसरी ओर बढ़ रही संक्रमण दर चिंता का विषय बनी हुई है। कोरोना की संक्रमण दर देश में बढ़कर 1.37% हो गई। हालांकि मृत्यु दर इस समय 1.42% है। इस समय देश के महाराष्ट्र राज्य में कोरोना सबसे अधिक प्रभावी दिख रहा है। यहां पर शुक्रवार को 8,333 नए मामले सामने आए और 48 लोगों की मौत हो गई। 4,936 मरीजों का इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। राज्य का रिकवरी रेट 94.35% है। बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई की सहूलियत के लिए शुरू की गई लोकल ट्रेन सेवाओं में जल्द ही कटौती की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना को रोकने के लिए जल्द ही राज्य में सभी सिनेमा घरों को बंद करने का भी फैसला ले सकती है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ा रही है। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले वृद्धि जारी रही। शुक्रवार को कोविड-19 के 256 नए मामले सामने आए, जो 22 जनवरी के बाद एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। 22 जनवरी को 266 मामले सामने आए थे। संक्रमण दर भी बढ़कर 0.41% हो गई। बीमारी से एक मौत भी हुई। एक दिन में 62,768 लोगों की कोरोना जाँच भी की गई। इसके साथ ही कोरोना रिकवरी दर घटकर 98% हो गई। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,231 हो गई, जबकि 4 दिन पहले यह संख्या 1,041 थी। ये आंकड़े दिल्ली के लिए चेतावनी की तरह है। अगर अब भी शक्ति नहीं बरती गई तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से दिल्ली में स्थिति खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।